हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम प्यारे और आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी। फैमिली आईडी में आई बीपीएल राशन कार्ड संबंधी अपडेट। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि जब आप पहले बीपीएल राशन कार्ड का स्टेटस चेक करते थे तो वहां पर नो डाटा फाउंड शो होता था, लेकिन अब वहां पर स्टेटस चेंज हो गया है। अब वहां पर लिखा हुआ आता है कि इस फैमिली के लिए बीपीएल राशन कार्ड पहले से मौजूद नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और बात कि जब आप अपना बीपीएल राशन कार्ड स्टेटस चेक करते थे जिनका पहले बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, केवल उन्हीं का बीपीएल राशन कार्ड स्टेटस शो होता था जिसमें मुखिया है। जिस फैमिली आईडी में जब मुखिया अपना आधार कार्ड या फैमिली आईडी नंबर डालता था तो ही वहां पर उसका स्टेटस और उसकी फैमिली आईडी में जितने मेंबर थे वो शो होते थे। और जो मेंबर बीपीएल राशन कार्ड के तो हैं लेकिन उन्होंने अलग फैमिली आईडी बनवा रखी है, वो शो नहीं हो रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, अब वो अपनी फैमिली आईडी में ही वहां पर शो हो रहे हैं, चाहे वो अपना आधार कार्ड नंबर डालें या फैमिली आईडी। यानी बीपीएल राशन कार्ड से संबंधित जितने भी मेंबर हैं जिनका भी आधार कार्ड बीपीएल राशन कार्ड में अंदर रजिस्टर्ड है, वो अब जब भी अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे उनका आधार कार्ड नंबर से उनका बीपीएल राशन कार्ड स्टेटस ट्रैक होगा। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बीपीएल राशन कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो बहुत तेजी से अच्छे प्रकार से कार्य करना स्टार्ट कर रहा है। और ये जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसके अंदर जल्द से जल्द जितनी भी खामियां हैं वो ठीक होती जा रही हैं। तो अब सरकार जल्द से जल्द बीपीएल राशन कार्ड बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट करने वाली है। फ्रेंड्स, प्रोसेस क्या रहेगी वो तो बीपीएल राशन कार्ड बनाने या उससे संबंधित कोई अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा कि बीपीएल राशन कार्ड कैसे बनेंगे और बीपीएल राशन कार्ड की क्या प्रक्रिया सरकार रखने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो उसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी वो तो आपकी जो इनकम है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी बीपीएल राशन कार्ड बने स्टार्ट होते हैं तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा, आप चिंता न करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको बीपीएल राशन कार्ड से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।